हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहता हूँ। और आज भी मेरा टॉपिक कुछ अजीब होने वाला है, कुछ आप लोगों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे आपको वीडियो, तो वीडियो को आप जो है शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लाइक तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं और इतना टाइम आप लोगों के लिए निकालता हूं, तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देते हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को आप पूरा ही वॉच किया कीजिए, क्योंकि वॉच करने से आपको भी फ़ायदा होता है और मेरी वीडियो को अभी जो है रैंकिंग में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वीडियो किस बारे में होने वाला। हाँ, तो फ्रेंड्स, वीडियो इसी बारे में होने वाला है कि अगर आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाता है, कोई एरर या कोई एरर मैसेज आता है कि आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। तो मेरे पास है एक डाटा केबल, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक लैपटॉप। तो मैं आज आपको लाइव करके बताऊँगा कैसे आप जो है इसको, अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आता, जैसे ये लैपटॉप से ऑलरेडी कनेक्टेड है और मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक चार्जिंग करने लगता है। यहाँ पे आपको स्वाइप अप थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो ऑप्शन नहीं आ रहा है जो यहाँ पे आना चाहिए कोई डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो एक मैसेज तो आता है, लेकिन ये अभी मोबाइल मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा मैसेज मेरे अभी मोबाइल पर नहीं आया है। आप देख सकते हो कोई भी मैसेज नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ चार्जिंग का एक ऑप्शन आया है कि आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये शायद आप लोगों के भी सामने प्रॉब्लम आती होगी, आपने भी शायद ये फेस किया हो, लेकिन इस वीडियो में आज आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं और कैसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, चला जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको वहाँ पर मैं लाइव करके बताऊँगा कैसे आप इसका सॉल्यूशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक लैपटॉप है और एक मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल, जो मैंने यहाँ पे अपने डाटा केबल से इसको कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चार्ज करता हूँ या फिर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास कोई मैसेज ऐसा नहीं आता कि आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ही ये प्रॉब्लम शायद आप लोगों के सामने फेस करने को आती है, जैसे ही आप अपने फ़ोन को किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल को, तो आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुलनी चाहिए, या मतलब आपका मोबाइल यहाँ पर ओपन होना चाहिए। मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ लाइव, तो आपको पता चल जाएगा क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ना मेरा कोई मोबाइल एक्टिव है, लेकिन मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड है डाटा केबल से लैपटॉप के। तो मैं आज इसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, शायद आपके पास भी ये समस्या आती होगी। इस समस्या को मैं दूर करने के लिए ही आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो समझ आया, कोई पार्ट आपका मिस तो नहीं हुआ है। तो चलो मैं आपको करके बताता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर जाके क्या जो है सेटिंग्स आपको करनी है और कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल की सेटिंग्स है, जहाँ पे मुझको चेंजेस करना है और क्या चेंजेस करना है कि आप अपने लैपटॉप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आ रहा है अपने मोबाइल से, आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप उसको रिसोल्व करोगे, यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो USB, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये इसका जो ऑप्शन है ये हाइड हुआ है यहाँ पे, शायद कोई इश्यू की वजह से। तो इस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे जो है इसको सोल्व करेंगे, इस वीडियो में वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे एडिशन फीचर में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है डेवलपर ऑप्शन, ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हाइड हो जाता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसीलिए आपका जो डाटा केबल है वो कनेक्ट नहीं हो पाता आपके लैपटॉप से, उसको रिसोल्व करने का क्या तरीका है। तो ये कई बार हो जाता है, या तो सॉफ्टवेयर की वजह से, या फिर आप कोई गलत एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर ले तो उसकी वजह से ये हाइड हो जाता है, इसलिए कोई समस्या आ जाती है, तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाता आपके लैपटॉप से। तो आपको चले जाना अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अबाउट फ़ोन में, या आपको सिंपली यहाँ पे हर मोबाइल में ज़्यादातर एंड्रॉयड कंपनी की जितने भी हैं सॉफ्टवेयर, वो सबको आपको यहाँ पर अवेलेबल सेम फॉर्मेट में हो जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद ये सेटिंग्स आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो MIUI वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3-4 बार ऐसे टैप करना है जब तक ये आपका ये ना आ जाए यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, तो आप यहाँ पे डेवलपर बन जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन वहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन ये शो नहीं करता है
एडिशनल फीचर्स में ये डेवलपर ऑप्शन वाला ये हाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये यहाँ पे 3-4 बार क्लिक करता हूँ MIUI वर्जन पे, तो यहाँ पे मैं एक डेवलपर बन जाता हूँ। अपनी मोबाइल की सेटिंग जो मेरी हाइड है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है और आपको यहाँ पे नीचे आके एडिशनल फीचर में आपको शो करती है यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सी सेटिंग्स मिलती हैं अपने मोबाइल के रिगार्डिंग। तो इसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे कैसे यूजफुल हो सकती है आपके लिए सेटिंग्स, बहुत ही यूजफुल है। शायद ही आपको इन सेटिंग्स के बारे में ना पता हो कौन सी सेटिंग किस काम के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स का ऑन करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है, डीबगिंग, USB डीबगिंग, इसके ये ऑफ रहेगा, इसको यहाँ पे सिंपली आपको ऑन कर देना है। और आप देख सकते हैं अब आप दोबारा अगर इसको यहाँ पे ओके करोगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर USB वाला। सिंपली मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल via USB, तो आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल अब आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे मीडिया फाइल पे रहता है, जब तक आपका हाइड नहीं होता है तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जैसे ही आप ये डेवलपर वाला ऑप्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग पे क्लिक करके सिंपली आपको मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है जैसे ही आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका अब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा अपने लैपटॉप से। तो सिंपली आपको कनेक्ट करना है अपना USB अपने मोबाइल से, और आपका USB ये टैटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है USB नॉट कनेक्टेड, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है आपके जो है लैपटॉप से। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल से एक बार आप सेटिंग कीजिए, अबाउट में जाके डेवलपर ऑप्शन अगर हाइड है आपका तो सिंपली आपको अपने वर्जन पर जाके 3-4 बार क्लिक करना है, आप डेवलपर बन जाएंगे। उसके बाद आपको एडिशनल फीचर में जाके डेवलपर ऑप्शंस में आपको जाना है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका ऑप दिखाई देगा आपको सिंपली इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद मैंने जो 2-3 आपको यहाँ पे ऑप्शन बताए हैं, डीबगिंग वाला आपको ऑन कर लेना है, और आपका ये जो इंस्टॉल USB है ये आपको ऑन कर लेना है, तो आपका अच्छे से वर्क करेगा और आपका जो है लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा आपका जो मोबाइल है, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपका ये इश्यू आपका सोल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगो, अच्छा लगो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर मुझसे कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप जो है विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी यूजफुल ट्रिक्स और टिप्स आपको मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।